नमस्कार बच्चों बच्चों थोड़ा एक चेंज है आज आज इंग्लिश की क्लास पहले हो रही है और आपकी विज्ञान की क्लास संध्या भदौरिया मैडम आपका भी शॉर्ट ब्रेक होगा उसके बाद यानी 1:10 से लेंगी तो आज मैं इंग्लिश की क्लास पहले ले रहा हूँ और एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। ये आपको अक्सर अनसीन सीन पैसेजेस में एंटोनिम्स का फॉर्मेशन और नाउन से एडजेक्टिव के फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो किस तरह से सिनोनिम्स को एंटोनिम्स में बदलते हैं और किस तरह से नाउन्स को हम एडजेक्टिव्स में बदलते हैं प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का उपयोग करते हुए। जैसे आपके हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं आगे लगाने वाले शब्दों से और पीछे लगाने वाले जो अक्षर होते हैं उनसे शब्दों के अर्थ बदलते हैं उसी तरह अंग्रेजी में हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो आगे प्रयोग किए जाते हैं शब्द के उनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं और जो पीछे लगाए जाते हैं उनको सफिक्सेस कहते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम एंटोनिम्स एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द जो विरोधी शब्द हैं उनको हम कैसे बनाएंगे क्योंकि आपके अनसीन पैसेजेस में अक्सर आता है ना फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कोई शब्द दिया जाता है आपको क्वेश्चन में आखिर में जो वोकैबुलरी के अंतर्गत 1 मार्क या 2 मार्क के जो रहते हैं और उसमें कहा जाता है आपसे कि फाइंड द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड तो हम सिनोनिम्स को मतलब जो दिए गए शब्द हैं जो प्रिंसिपल शब्द हैं उनको एंटोनिम्स में कैसे बदलते हैं प्रीफिक्सेस के माध्यम से मतलब जो अक्षर पहले लगाए जाते हैं उनके माध्यम से। आइए उनको देखते हैं और आप अपनी कॉपियों में इसको नोट करते जाएं तो ये वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होगी और बच्चे लोगों ये चीज आपके लिए हमेशा काम की होगी आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी शब्द ज्ञान बढ़ेगा। ये देखें इसमें कई मुख्य प्रीफिक्सेस होते हैं जिनको एक के बाद हम एक देखेंगे और जिनको प्रिंसिपल वर्ड मुख्य शब्द के आगे लगाकर हम उसको कैसे एंटोनिम में बदलते हैं अपोजिट वर्ड में बदलते हैं तो वो हम आपको प्रीफिक्स भी बताएंगे और उदाहरण स्वरूप कुछ शब्द भी आपके सामने दिए गए हैं आप इनको नोट करते जाएं तो ये आपके रिकॉर्ड में रहेंगे और आपके लिए एक हमेशा लाभकारी रहेंगे। तो एक प्रीफिक्स होता है बड़ा कॉमन प्रीफिक्स है अन यू एन यू एन जब किसी शब्द के सामने लगाया जाता है तो उसको विलोम शब्द में बदल देता है उसको एंटोनिम में बदल देता है जैसे एबल एबल मतलब योग्य एबल के आगे हम अन लगा देते हैं तो हो जाता है अनेबल यानी अयोग्य। इसी तरह आर्म्ड का अनआर्म्ड काइंड का अनकाइंड कॉमन का अनकॉमन फिट का अनफिट फॉर्चुनेट का अनफॉर्चुनेट कॉन्शियस का अनकॉन्शियस। तो ये अन एक बहुत ही कॉमन यूज किया जाने वाला प्रीफिक्स है जो किसी भी शब्द के आगे हम लगाते हैं तो उसके आगे लगाकर हम उस शब्द को उसके एंटोनिम में बदल देते हैं। ये आप नोट कर लीजिए एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं एमपीएस कोलारस शिवपुरी आप इसको नोट करते जाएं एबल का अनेबल आर्म्ड का अनआर्म्ड काइंड का अनकाइंड कॉमन का अनकॉमन फिट का अनफिट फॉर्चुनेट का अनफॉर्चुनेट कॉन्शियस का अनकॉन्शियस। तो ये बड़ा कॉमन प्रीफिक्स है अन जिसका उपयोग करते हुए हम किसी भी शब्द को उसके एंटोनिम में परिवर्तित कर देते हैं। आइए दूसरा देखते हैं ये अन के और उदाहरण देख लें कंट्रोल्ड नियंत्रित अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड प्लेजेंट मनभावन अनप्लेजेंट पॉपुलर लोकप्रिय अलोकप्रिय अनपॉपुलर वाइज चतुर अनवाइज सोशल अनसोशल। ये कुछ और उदाहरण हैं जिसमें शब्दों के आपके सामने स्क्रीन पर जिसमें हमने अन प्रीफिक्स उपयोग करते हुए उसको एंटोनिम में बदल दिया है। बच्चे लोगों आपके सब्जेक्ट टीचर ने इंग्लिश टीचर ने जो आपकी वोकैबुलरी के लिए एक अलग से कॉपी बनवाई होगी यदि तो उसमें आप इसको जरूर नोट करें ये आपकी एक धरोहर है आपका शब्दकोश बढ़ेगा शब्द ज्ञान बढ़ेगा और हमेशा आपके लिए लाभकारी रहेगा।
मैं समझता हूं आपने ये नोट कर लिए होंगे। अब अगला शब्द देखें, नॉन, NON, नॉन। ये भी एक बड़ा कॉमन प्रेफिक्स है और इसका उपयोग भी हम किसी शब्द का विलोम शब्द यानी एंटोनिम बनाने में उपयोग करते हैं, जैसे सेंस का नॉनसेंस, स्टॉप का नॉन स्टॉप, वायलेंस का नॉन वायलेंस, प्रॉफिट का नॉन प्रॉफिट, मेटल का नॉन मेटल, लीनियर का नॉन लीनियर और मेंबर का नॉन मेंबर। बच्चों एक बार मैं फिर दोहरा दूं, आपकी जो विज्ञान की क्लास है वो इस क्लास के बाद शॉर्ट ब्रेक आएगा और शॉर्ट ब्रेक के बाद 1:10 से आपकी विज्ञान क्लास रहेगी। फिर से एक बार देख लें, जिन बच्चों ने अभी तक नोट नहीं किया है मैं दोहरा देता हूं। प्रीफिक्स है नॉन और नॉन कई शब्दों के आगे नॉन लगाया जाता है प्रीफिक्स के रूप में और उसको विलोम शब्द में बदल दिया जाता है, एंटोनिम में बदल दिया जाता है। जैसे सेंस के आगे नॉन लगता है तो नॉन सेंस हो जाता है, स्टॉप के आगे नॉन लगता है तो नॉन स्टॉप, इसी प्रकार वायलेंस का नॉन वायलेंस, प्रॉफिट का नॉन प्रॉफिट, मेटल का नॉन मेटल, लीनियर का नॉन लीनियर, मेंबर का नॉन मेंबर। I hope that everybody has noted it down. Let's see the next one. Dis, D-I-S, dis. ये भी एक prefix है जो शब्दों के आगे लगाया जाता है उनको antonym में बदलने के लिए। इसके उदाहरण दिए गए हैं, देखें। Agree, यानी सहमत। उसके आगे डिस लग गया, हो गया डिसएग्री यानी असहमत। अलाउ का डिसअलाउ, एपियर का डिसएपियर, कंफर्ट का डिसकंफर्ट, ऑनेस्ट का डिसऑनेट ऑनेस्ट, ऑनर का डिसऑनर, लाइक का डिसलाइक। तो बच्चों एंटोनिम को परिवर्तित करने के लिए ये डिस ये भी एक बड़ा कॉमन प्रीफिक्स है जो शब्दों के आगे लगकर उसको एंटोनिम में बदल देता है। और डिस के लिए कौन कौन से शब्द हैं उनके उदाहरण स्वरूप आपको दिए गए हैं, आप फिर से देख लें। एग्री का डिसएग्री, अलाउ का डिसअलाउ, एपियर का डिसएपियर, कंफर्ट का डिसकंफर्ट, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, ऑनर का डिसऑनर, लाइक का डिसलाइक। बच्चे लोगों आप ये इसको नोट कर पा रहे हैं, मैं ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं, कृपया हाथ उठा के बताएं आप लोग नोट कर पा रहे हैं। ओके ठीक है, ठीक है, गुड, कैरी ऑन। आगे अगला शब्द देखें, ये भी डिस है, डिस के और शब्द दिए गए हैं उसको आप नोट कर लें। ओबे यानी आज्ञा मानना, डिसोबे मतलब आज्ञा ना मानना, ओबे का डिसोबे, इसी तरह ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी और डिसोबीडियंट जो आज्ञा ना माने। तो ये कुछ अन्य शब्द हैं जिनके आगे डिस लगता है तो वो एंटोनिम में परिवर्तित हो जाते हैं, दे ट्रांसफॉर्म इनटू एंटोनिम। ओबे डिसोबे, ओबीडियंट डिसोबीडियंट, प्लीज डिसप्लीज, एबिलिटी डिसएबिलिटी, अपॉइंट डिसअपॉइंट, बिलीफ डिसबिलीफ, रिगार्ड डिसरिगार्ड। ये डिस के ही और शब्द हैं जिसके आगे डिस लग के वो एंटोनिम में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रीफिक्स देखते हैं, मिस, एम आई एस, मिस। बच्चों ध्यान दें इसमें सिंगल एस लगा है, कुमारी को भी मिस कहते हैं
लेकिन दैट इज एम आई डबल एस, और ये जो प्रिफिक्स है दिस प्रिफिक्स इज विथ सिंगल एस, दैट इज एम आई एस, और ये मिस भी कॉमन प्रिफिक्स है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसको विलोम शब्द में एंटोनिम में परिवर्तित कर देता है. कंडक्ट मिसकंडक्ट, फॉर्च्यून मिसफॉर्च्यून, कॉल मिसकॉल, ये तो आप मिसकॉल से तो आप काफी वाकिफ हैं, कॉल और मिसकॉल, मोबाइल और फोन यूज करते समय इसका उपयोग होता है. लीड मिसलीड, हैपनिंग मिसहैपनिंग, यूज मिसयूज, अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड. इन शब्दों को मैं फिर दोहरा रहा हूं, कंडक्ट मिसकंडक्ट, फॉर्च्यून मिसफॉर्च्यून, कॉल मिसकॉल, लीड मिसलीड, हैपनिंग मिसहैपनिंग, यूज मिसयूज, अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड. तो बच्चों ये भी एक कॉमन प्रिफिक्स है एम आई एस, जिसको किसी शब्द के आगे लगाने से उसको हम विलोम शब्द में एंटोनिम में परिवर्तित कर देते हैं. हैव यू ऑल रिटन इट, आप सब लोगों ने लिख लिया, हाथ उठा के बताएं मुझे. ओके अगला शब्द देखते हैं, ये मिस के तीन और हैं, देख लें, कैलकुलेट मिस कैलकुलेट, एप्रोप्रिएट मिस एप्रोप्रिएट, बिहेव मिस बिहेव. ये मिस के साथ तीन शब्द और हैं जिनके आगे मिस लगता है तो वो एंटोनिम में बदल जाते हैं. आइए अब अगला अक्षर देखें, अगला शब्द देखें प्रेफिक्स में एंटी. एंटी शब्द भी बहुत कॉमन है, जैसे आप लोग अक्सर बातें करते होंगे वो मेरे एंटी ग्रुप का है, मतलब विरोधी ग्रुप का है, वो एंटी पार्टी का है, वो विरोधी दल का है, वही एंटी. एंटी जब ऑपोजिट हो जाता है, एंटोनिम बनता है, तब उस एंटी लगाते हैं हम. बायोटिक एंटीबायोटिक, बॉडी एंटीबॉडी, सेप्टिक एंटीसेप्टिक, सिंपैथी एंटीसिंपैथी, टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन. बच्चों ये मेडिकल लाइन में काफी इस्तेमाल होता है, एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक एंटीटॉक्सिन, जब हमें कोई किसी इंफेक्शन से ग्रसित हो जाते हैं या किसी हमें वायरल इंफेक्शन से होते हैं तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है कि नहीं देता. बायोटिक मतलब किसी बायोलॉजिकल टर्म है ये, तो एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक, जब हमें चोट लग जाती है तो हम एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं जिससे चोट में इंफेक्शन ना लग जाए. तो इसी तरह एंटी मतलब विरोधी चीज जो होती है उसके लिए एंटी शब्द का प्रयोग होता है. फिर एक प्रेफिक्स है इल, आई एल आई एल. ये ज्यादातर बच्चों आपने देखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं जो एल से शुरू होने वाले शब्द हैं जब उनको हम विलोम में परिवर्तित करते हैं तो समानते है उसके आगे आई एल प्रेफिक्स लगता है. ध्यान दें, जिन शब्दों के आगे जो शब्द एल से शुरू होते हैं तो सामान्य रूप से समानतः जनरली वी यूज आई एल एस प्रिफिक्स टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू एंटोनिम्स. उदाहरण आपके सामने है, यू कैन नोट इट डाउन, लीगल का इलीगल, लिजिबल का इलिजिबल, लॉजिकल का इलॉजिकल, लिबरल का इलिबरल, लिटरेट का इलिटरेट. ये शब्द कॉमन है, तब आपने पढ़े होंगे देखे होंगे, कई जगह आपने सुना, मूल शब्द पढ़ा होगा, प्रिंसिपल वर्ड पढ़ा होगा, कहीं एंटोनिम पढ़े होंगे. तो साधारणतः जो एल से शुरू होते हैं शब्द उनके आगे आई एल लगा के उनको एंटोनिम में बदला जाता है, तो आई के बाद डबल एल हो जाता है. इलीगल इलिजिबल इलॉजिकल इलिबरल इलिटरेट. आइए अगला प्रेफिक्स देखते हैं, इन
आई एन इन। बच्चों आई एन समानतया एक प्रपोजिशन है, आई एन का मतलब, इन का मतलब होता है अंदर, लेकिन आई एन एक प्रिफिक्स भी है जो शब्दों के सामने लगाया जाता है। कुछ शब्द हैं जिनके आगे आई एन लगाकर उनको एंटोनिम में बदला जाता है, और ये शब्द बड़े कॉमन है, आप सब लोगों ने इनको देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, समझा ही होगा। उनको आइए देखते हैं, एबिलिटी इन एबिलिटी, एक्टिव इन एक्टिव, विजिबल इन विजिबल, एक्यूरेट इन एक्यूरेट, अटेंटिव इन अटेंटिव, डेफिनेट इनडेफिनेट, सफिशिएंट इनसफिशिएंट। ये शब्द आपके चे परिचित शब्द हैं, आपने इंग्लिश पढ़ते समय, ग्रामर पढ़ते समय इन शब्दों को जरूर देखा होगा, जैसे डेफिनेट इनडेफिनेट, इनडेफिनेट टेंस, अनिश्चित, अनिश्चितता वाला जो भाव होता है, डेफिनेट मतलब निश्चित, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, तो इसमें आई एन प्रीफिक्स के रूप में लगाया गया है उसको एंटोनिम में परिवर्तित करने के लिए। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, एबिलिटी का इनएबिलिटी, एक्टिव का इनएक्टिव, विजिबल का इनविजिबल, एक्यूरेट का इनएक्यूरेट, अटेंटिव का इनअटेंटिव, डेफिनेट का इनडेफिनेट, सफिशिएंट का इनसफिशिएंट। बच्चों ये थोड़ा हमें याद करना, स्मरण करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपने देखा है कि हर प्रीफिक्स किसी भी शब्द के सामने नहीं लग सकता, जो खास प्रीफिक्स हैं वो खास शब्दों के सामने ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको जानना समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें इसकी जानकारी होती है तभी हम किन्हीं शब्दों को जब हमें एक्सरसाइज के रूप में दिए जाते हैं तो एंटोनिम्स में बदल पाते हैं। आगे देखते हैं, इनके और उदाहरण हैं सामने आपके, डिविजिबल इनडिविजिबल, डिविजिबल मतलब जिनको बांटा जा सकता है और इनडिविजिबल जिनको नहीं बांटा जा सकता, ऐसे ही डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन, इफेक्टिव इनइफेक्टिव, असेंशियल इनअसेंशियल, वैलिड इनवैलिड, जस्टिस इनजस्टिस, सेंसिबल इनसेंसिबल। ये कुछ और शब्द हैं जिनमें हमने इनका इन प्रीफिक्स का उपयोग करते हुए उनको एंटोनिम में परिवर्तित करा है। डिविजिबल इनडिविजिबल, डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन, इफेक्टिव इनइफेक्टिव, असेंशियल इनअसेंशियल, वैलिड इनवैलिड, जस्टिस इनजस्टिस, सेंसिबल इनसेंसिबल। ये बच्चों आपने नोट कर लिए होंगे। अब अगला प्रीफिक्स है इम, आई एम, पहला इसके पहले था आई एन और अब है आई एम। बच्चों ये चीज हमें बड़े बारीकी से देखनी है, बड़े ध्यान से देखनी है कि कई शब्द हैं जिनमें आई एन प्रीफिक्स लगता है उनको एंटोनिम में परिवर्तित करने के लिए, और कई शब्द हैं जिनमें आई एम लगता है उनको एंटोनिम में परिवर्तित करने के लिए। बैलेंस का इम्बैलेंस, बच्चों एक इसमें आई आर के भी शामिल हो गए हैं, उनको आप अलग कर लें, ये आई आर भी लगता है, इसमें रेगुलर का इरेगुलर आ गया है, ये क्लरिकल एरर है, इसको अलग कर लीजिए। मॉर्टल का इमॉर्टल, ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल को भी अलग कर लें आप, इसमें रिस्पॉन्सिबल का इररिस्पॉन्सिबल दिया हुआ है, उसमें आईआर भी लगता है प्रीफिक्स के रूप में, ये दो शब्द आईआर वाले आ गए हैं, इनको अलग करके लिख लें। फिर पार्शियल का इम्पार्शियल, पेशेंट का इम्पेशेंट और पॉसिबल का इम्पॉसिबल। आप आईएम वाले नोट कर लें पहले, बैलेंस का इम्बैलेंस, मॉर्टल का इमॉर्टल, पार्शियल का इम्पार्शियल,
पेशेंट का इम्पेशेंट, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, और दो जो शब्द हैं जिसमें आई आर प्रीफिक्स लग के उसका एंटोनिम बनता है वो है रेगुलर, रेगुलर का इरेगुलर, और रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, उसका इररिस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदार। तो बच्चों ये तो आपके सामने हुआ किसी शब्द का एंटोनिम में परिवर्तित करना, उसके आगे प्रीफिक्स लगाना, और कौन कौन से कॉमन प्रीफिक्सेस हैं हमने उनको उदाहरण के समेत आपके दर्शाया बताया, और अगर समय रहा तो इसको हम फिर दोहराएंगे। आइए आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार नाउन से एडजेक्टिव में शब्दों को परिवर्तित किया जाता है, और एडजेक्टिव के बनाने के लिए कौन कौन से मुख्य सफिक्सेस, सफिक्सेस यानी वो शब्द जो बाद में लगाए जाते हैं। प्रीफिक्स वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, और सफिक्सेस शब्द के बाद में लगाए जाते हैं उनको शब्दों को परिवर्तित करने के लिए। तो अब हम नाउन्स के बाद में लगने वाले सफिक्सेस को देखेंगे जो उनको एडजेक्टिव्स में यानी संज्ञा को विशेषण में परिवर्तित करते हैं। सबसे पहले देखें इसमें सफिक्स है एएल, एएल। तो नाउन के अंत में एएल जब लगाया जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। कई शब्द ऐसे हैं देयर आर मेनी वर्ड्स जिनके बाद हम एएल लगाते हैं सफिक्स के रूप में, तो उनको हम एडजेक्टिव में परिवर्तित कर सकते हैं। ये कुछ आपके सामने है, जैसे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नाउन है, एक्सीडेंट का हो जाएगा एक्सीडेंटल, रीजन रीजनल, ब्रूट ब्रूटल, पर्सन पर्सनल, रीजन रीजन, ये रिपीट हो गया है, रीजनल, यूनिवर्स यूनिवर्सल। तो अब आपके सामने ये उदाहरण है जिसमें एएल सफिक्स के रूप में लगाया जाता है और कुछ नाउन्स जो हैं उनको एडजेक्टिव में परिवर्तित कर लिया जाता है सफिक्स एएल लगाकर। अगला सफिक्स देखें, यह है ए आर वाई, ए आर वाई, ये भी सफिक्स है, कॉमन सफिक्स है जो नाउन के अंत में प्रयोग किया जाता है उसको एडजेक्टिव में परिवर्तित करने के लिए। कस्टम का कस्टमरी, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री, मोमेंट का मोमेंट्री, ऑनर का ऑनररी, कॉशन का कॉशनरी। बच्चों आपको ध्यान है कि जब आपको अनसीन पैसेजेस दिए जाते हैं तो उसमें आखिरी के जो दो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वोकैबुलरी से संबंधित रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पैसेज में कस्टम शब्द आया और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड मेक द एडजेक्टिव फॉर्म या गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड कस्टम, तो ये एक्सरसाइज आपको उस समय काम आती है जब आपको ये पता रहता है कि कस्टम का हम एडजेक्टिव कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपके सामने ये चीज आई है और आपको ये मालूम है, ये आपको ज्ञात हो जाता है, यू नो दिस दैट विच सफिक्स टू यूज टू मेक इट एडजेक्टिव। तो ये एक्सरसाइज इस दृष्टि से बहुत जरूरी है कि हम अपने वोकैबुलरी के ज्ञान को बढ़ा सकें। आइए अगला देखते हैं, फुल, एफ यू एल, ये काफी कॉमन सफिक्स है, और फुल का इस्तेमाल जब होता है जब हम किसी को पूरा करें, उसको भर दें, उस सेंस में जब हम नाउन को एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल आता है, उससे भरा हुआ जो हो, नाउन की जो खूबी है उससे भरा हुआ जब हम विशेषण बनाते हैं तो उसमें हम फुल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्यूटी का ब्यूटीफुल, खूबसूरती, ब्यूटी यानी खूबसूरती और ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, तो उसके आगे फुल लगा। स्किल का स्किलफुल, वंडर का वंडरफुल, सक्सेस का सक्सेसफुल, ऑ का ऑफुल और डिलाइट का डिलाइटफुल।
तो बच्चों यहां जो नाउन है, तो ये नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में F-U-L फुल प्रीफिक्स लगा के, सफिक्स लगा के, सॉरी सफिक्स लगा के हम उनको एडजेक्टिव में परिवर्तित करते हैं। फिर देख लें एक बार, ब्यूटी का ब्यूटीफुल, स्किल का स्किलफुल, वंडर का वंडरफुल, सक्सेस का सक्सेसफुल, ऑ का ऑफुल और डिलाइट का डिलाइटफुल। और बच्चों एक काम आप और कर सकते हैं, ये जो शब्द आपके सामने दिए गए हैं, कई शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको नहीं मालूम होगा, तो आप एक एक्सरसाइज जरूर करें। आप डिक्शनरी सब उपयोग करते होंगे, तो डिक्शनरी का उपयोग करते हुए इनके अर्थ भी लिखें। तो नाउन के रूप में भी आपका इनके शब्द का आपको अर्थ मिलेगा और एडजेक्टिव के रूप में भी इनके शब्दों का अर्थ आपको मिलेगा। तो ये जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका जानकारी और पक्की हो जाएगी। आइए अगला सफिक्स देखें, लेस। लेस जब किसी शब्द के आगे लगता है तो मतलब हो जाता है बिना उस खूबी के, लेस यानी बिना खूबी के, उससे वो जब हम उसको विच्छेद कर देते हैं उस चीज को, तो उसमें हम लेस लगाते हैं। जैसे पावर, पावरलेस, पावर नाउन है शक्ति और शक्ति वहीन, यूज यूजलेस, फ्रेंड फ्रेंडलेस, होम होमलेस, वर्थ वर्थलेस, पेनी पेनीलेस। बच्चों यहां पर यूज शब्द वर्ब के रूप में प्रयोग होता है और उसका एंटोनिम एडजेक्टिव यूजलेस बताया गया है। ये नाउन के रूप में नहीं होता, ये वर्ब के रूप में होता है। तो यहां पर नाउन है पावर, पावरलेस, फ्रेंड, फ्रेंडलेस, होम, होमलेस, वर्थ, वर्थलेस, पेनी, पेनीलेस। अगला सफिक्स देखें हम, एक आईसी। कई जो एडजेक्टिव बनते हैं वो नाउन के अंत में आईसी लगाने से भी बनते हैं। आईसी लगाने के बाद उसका जो एडजेक्टिव बनता है, मतलब उससे जो शब्द बनता है, उससे जो क्वालिटी बनती है, उससे जो विशेषता बनता है, इसका मतलब वो नाउन की खूबी अपनाए हुए है। जैसे एथलीट का एथलेटिक, फोटोग्राफ का फोटोग्राफिक, बेस का बेसिक, साइंस का साइंटिफिक, हिस्ट्री का हिस्टोरिक, रिदम का रिदमिक। अगर आपसे किसी पैसेज में पूछा गया कि फाइंड द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एथलीट, कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कोई शब्द, कोई नाउन पैसेज में दिया गया है, आपको अनसीन पैसेज या सीन पैसेजेस जो आते हैं उसमें कोई शब्द दिया जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि फाइंड द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको जो नाउन दिया गया, मान लीजिए एथलीट दिया गया आपको क्वेश्चन में, तो आपने ये एक्सरसाइज करी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो एडजेक्टिव होगा उसके आगे आईसी लगा होगा, तो वो एडजेक्टिव फॉर्म उस पैसेज में ढूंढने में भी आपको आसानी हो जाएगी यदि आप इन सफिक्सेस से आप लोग परिचित हैं। तो आपको आईसी लगा वाला शब्द, ये एथलीट के आगे आईसी लगा हुआ है, इसका मतलब ये एथलीट का एडजेक्टिव फॉर्म है, तो आपको उत्तर बड़ी आसानी से मिल सकता है और उत्तर ढूंढने में आपको मदद मिल सकती है। तो आईसी वाले एक बार फिर देख लें, एथलीट का एथलेटिक, फोटोग्राफ का फोटोग्राफिक, बेस का बेसिक, साइंस का साइंटिफिक, हिस्ट्री का हिस्टोरिक, रिदम का रिदमिक। तो आपने देखा कि कई नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में आईसी लगाने से उन्हें एडजेक्टिव बनाया जाता है। आईसीएएल, ये भी एक बड़ा कॉमन सफिक्स है, आईसीएएल। जब आप शब्द पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे नाउन दिया गया है मैजिक, जादू,
मैजिक का मैजिकल, प्रैक्टिस का प्रैक्टिकल, लॉजिक का लॉजिकल, स्टैटिस्टिक का स्टैटिकल, स्टैटिस्टिकल, हिस्टोरी का हिस्ट्री का हिस्टोरिकल, अल्फाबेट का अल्फाबेटिकल। एक बार फिर देखें, मैजिक का मैजिकल, प्रैक्टिस का प्रैक्टिकल, लॉजिक का लॉजिकल, स्टैटिस्टिक का स्टैटिस्टिकल, हिस्ट्री का हिस्टोरिकल, अल्फाबेट का अल्फाबेटिकल। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि जिन शब्दों के आगे ICAL लगा है अंत में, सॉरी जिन शब्दों के अंत में ICAL लगा है तो दे आर एडजेक्टिव्स। तो इस तरह से आप शब्द भी पहचान सकते हैं कि नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। अगला सफिक्स देखें, इश, ISH, ISH भी सफिक्स के रूप में इस्तेमाल होता है किसी शब्द को नाउन से एडजेक्टिव में बदलने के लिए। ये शब्द देखें, फूल का फूलिश, शीप का शीपिश, चाइल्ड का चाइल्डिश, पिंक का पिंकिश, सेल्फ का सेल्फिश, गर्ल का गर्लिश। जैसे कलर कोई सा भी हो, यहां पिंक लिखा है, येलो का येलोइश, ब्लैक का ब्लैकिश, व्हाइट का व्हाइटिश, तो वो जो कलर नाउन होता है और उसको एडजेक्टिव में हम बदल सकते हैं, उस कलर के आगे ISH अगर हमने सफिक्स लगा दिया तो वो फिर नाउन से एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाता है। गर्ल का मतलब लड़की और गर्लिश मतलब लड़की जैसा। सेल्फ मतलब स्वयं और सेल्फिश मतलब खुद, गर्ल्स स्वार्थी। तो इसी तरह आपने देखा चाइल्ड यानी बच्चा और चाइल्डिश यानी बच्चों जैसा। तो ISH लगा के हम नाउन को एडजेक्टिव में बदल सकते हैं। अगला सफिक्स देखें, लाइक, लाइक मतलब जब वैसे ही हो, सिमिलर हो। तो अब हमें जब बताना होता है तो हम नाउन को लाइक का सफिक्स लगा के एडजेक्टिव में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे लाइफ का लाइफ लाइक, चाइल्ड का चाइल्ड लाइक, लेडी का लेडी लाइक, बर्ड का बर्ड लाइक, वार का वार लाइक। तो बच्चों आप समझ लें, जब भी किसी शब्द के अंत में लाइक प्रयोग हुआ है तो आप समझ लीजिए कि उसका स्वरूप एडजेक्टिव का है। जब भी किसी शब्द के आगे नाउन के आगे लाइक का प्रयोग किया गया है, लाइक सफिक्स के रूप में लगाया गया है, तो आप समझ लीजिए कि अब उसको हमने एडजेक्टिव में परिवर्तित कर दिया है, वो एडजेक्टिव वाला रूप आपके सामने है। अगला देखें, ly, ये भी बड़ा कॉमन है, ये भी आपने काफी देखा होगा, उपयोग किया होगा इसका। जैसे नाउन है फ्रेंड, दोस्त, और फ्रेंडली यानी दोस्ताना, फ्रेंड का फ्रेंडली, डे का डेली, कॉस्ट का कॉस्टली, ऑर्डर का ऑर्डरली, मंथ का मंथली, कवर्ड का कवर्डली। कवर्ड मतलब बच्चों डरपोक। तो ली के साथ, ly के साथ आपके समक्ष नाउन के उदाहरण दिए गए हैं जिनके अंत में ly लगाकर उनको एडजेक्टिव में परिवर्तित किया जाता है। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं, फ्रेंड का फ्रेंडली, डे का डेली, कॉस्ट का कॉस्टली, ऑर्डर का ऑर्डरली, मंथ का मंथली, कवर्ड का कवर्डली।
ये नोट कर लिए होंगे। अगला देखें, OUS, OUS, OUS भी नाउन के अंत में लगाया जाता है उसको एडजेक्टिव में परिवर्तित करने के लिए। वी यूज OUS एट द एंड ऑफ सम नाउन्स टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू एडजेक्टिव। हियर आर द एग्जांपल्स फॉर दैट। पॉइजन का पॉइजनस, कर्टसी का कर्टियस, डेंजर का डेंजरस, मिस्ट्री का मिस्टीरियस, नर्व का नर्वस, विक्ट्री का विक्टोरियस। तो ये भी एक पहचान है कि आप अगर ध्यान दें तो आप ये पहचान सकते हैं कि जिन शब्दों के आगे OUS सफिक्स लगा है, अंत में जिनका OUS लगा है, मतलब वो शब्द बाय नेचर दे आर एडजेक्टिव्स। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं, पॉइजन का पॉइजनस, कर्टसी का कर्टियस, डेंजर का डेंजरस, मिस्ट्री का मिस्टीरियस, नर्व का नर्वस, विक्ट्री का विक्टोरियस। वाई, ये एक ही सिंगल अक्षर का ये सफिक्स है। वाई को कई नाउन्स ऐसे हैं जिनके आगे वाई अंत में वाई लगाया जाए तो वो एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे रेन का रेनी, मेस का मेसी, फन का फनी, डर्ट का डर्टी, स्पॉट का स्पॉटी। फिर से देख लें, रेन का रेनी, मेस का मेसी, फन का फनी, डर्ट का डर्टी, स्पॉट का स्पॉटी। तो इन देखा आपने, इन नाउन के आगे हम वाई लगा के उनको हम एडजेक्टिव में परिवर्तित कर लेते हैं। Have you all noted it down? आप सब लोगों ने लिख लिया? चलिए आगे देखते हैं। अब ये इतने ही कॉमन है जिनको आपने नोट कर लिया होगा, और एक बार मैं फिर शुरू से रिपीट कर देता हूं। पहले हमने देखा था किस तरह से एंटोनिम में बदला जाएगा और उनको देखेंगे, उसके बाद फिर से हम इन्हीं को दोहरा लेंगे, हमारे पास समय है। तो जिनका बच्चों का छूट गया है, एक बार मैं उसको धीरे धीरे रिपीट करूंगा, और जिन बच्चों का छूट गया है वो नोट करते जाए। तो बच्चों, सबसे पहले हम एंटोनिम्स को देखेंगे। एंटोनिम्स तब बनाए जाते हैं जब कुछ शब्दों के आगे उनके अनुसार प्रीफिक्स लगाए जाते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो अक्षर सामने जोड़े जाते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं, और प्रीफिक्स सामने जोड़कर हम उनके एंटोनिम बनाते हैं। ये मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, जिन बच्चों का छूट गया है दे मे काइंडली नोट इट डाउन। एंटोनिम बनाने के लिए पहला प्रीफिक्स है यूएन। यूएन कई शब्दों के आगे लगाया जाता है उनका विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम बनाने के लिए। जैसे एबल का अनेबल, आर्म्ड का अनआर्म्ड, काइंड का अनकाइंड, कॉमन का अनकॉमन, फिट का अनफिट, फॉर्चुनेट का अनफॉर्चुनेट, कॉन्शियस का अनकॉन्शियस। इनको और देखते हैं, कंट्रोल्ड का अनकंट्रोल्ड, अनप्लेजेंट का प्लेजेंट का अनप्लेजेंट, पॉपुलर का अनपॉपुलर, वाइज का अनवाइज, सोशल का अनसोशल। बच्चों, ये शब्द पहचानने से एक फायदा है कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मान लीजिए कि किसी पैसेज में अनपॉपुलर शब्द का प्रयोग किया है, और आपको जब ये पैसेज के नीचे क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको वहां पॉपुलर शब्द लिख के कहा जाता है
फाइंड द एंटोनिम ऑफ पॉपुलर फ्रॉम द पैसेज, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों. फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पॉपुलर फ्रॉम द पैसेज. अब आपको ये जानकारी हो गई कि किसी भी शब्द के आगे अगर अन लिखा है, यूएन लिखा गया है, इसका मतलब वो एंटोनिम है. तो आपने देखा, आपको मिल गया, अरे पॉपुलर शब्द लिखा है और उसके आगे अन लगा हुआ है तो ये एंटोनिम हो गया. तो जो बच्चों को वोकैबुलरी में दिक्कत आती है, ऐसे शब्द का चुनने में दिक्कत आती है, अगर वो ये गौर से देखेंगे, वो ये एक्सरसाइज गौर से देखेंगे, तो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस दो हर पैसेज में एक या दो नंबर के होते हैं, तो उसमें एक एक दो दो करके आपके तीन चार नंबर छूट जाते हैं. तो यदि आप इस तरह से पहचानने लगेंगे शब्दों को कि एंटोनिम किस क्या प्रीफिक्स लग के एंटोनिम बनता है, तो यदि आपको पैसेज में से एंटोनिम शब्द ढूंढने के लिए कहा जाता है और उसके नंबर, आप फिर खोएंगे नहीं, आप बड़े आराम से उन एंटोनिम्स को ढूंढ सकते हैं. तो ये एक्सरसाइज उस दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है. एंटोनिम बनाने के लिए अगला प्रीफिक्स देखें, नॉन, एन ओ एन. जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो एक बार देख लें कि जो प्रिंसिपल वर्ड्स आपको दिए गए हैं उनके आगे नॉन शब्द लग के हम उनको एंटोनिम में परिवर्तित कर लेते हैं. जैसे सेंस का नॉन सेंस, स्टॉप का नॉन स्टॉप, वायलेंस का नॉन वायलेंस, प्रॉफिट का नॉन प्रॉफिट, मेटल का नॉन मेटल, लीनियर का नॉन लीनियर, मेंबर का नॉन मेंबर. अगला प्रीफिक्स है डिस. एग्री का डिसएग्री, अलाउ का डिसअलाउ, अपीयर का डिसअपीयर, कंफर्ट का डिसकंफर्ट, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, ऑनर का डिसऑनर, लाइक का डिसलाइक. तो डिस लगा के भी हम कई शब्दों को उनके एंटोनिम्स में परिवर्तित करते हैं. ये और देख लें, ओबे का डिसओबे, ओबीडियंट का डिसओबीडियंट, प्लीज का डिसप्लीज, एबिलिटी का डिसेबिलिटी, अपॉइंट का डिसअपॉइंट, बिलीफ का डिसबिलीफ, रिगार्ड का डिसरिगार्ड. तो ये वो शब्दों के उदाहरण है आपके सामने जिनके आगे हम प्रीफिक्स के रूप में डीआईएस का उपयोग करते हैं और डीआईएस का उपयोग करते हुए उनको हम एंटोनिम में ट्रांसफॉर्म करते हैं. इसी तरह देखें मिस, एम आई एस, मिस. कंडक्ट, मिसकंडक्ट. फॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून. कॉल, मिस कॉल. लीड, मिसलीड. हैपनिंग, मिसहैपनिंग. यूज, मिसयूज. अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड. बच्चों यहां ध्यान रखें कि कुमारी के लिए जो मिस शब्द का प्रयोग किया जाता है That is M-I-S-S. लेकिन किसी शब्द को एंटोनिम में जब हम परिवर्तित करते हैं देन वी यूज ओनली सिंगल S, M-I-S. तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि प्रीफिक्स के रूप में हम M के M-I के साथ डबल S नहीं लगाते, केवल सिंगल S ही लगाते हैं. मिस के ये और उदाहरण है आपके सामने, कैलकुलेट का मिस कैलकुलेट, अप्रोप्रिएट का मिस अप्रोप्रिएट और बिहेव का मिस बिहेव. अगला देखें एंटी. एंटी बहुत कॉमन है, बहुत बच्चे परिचित होंगे शब्द से. बायोटिक, एंटीबायोटिक. बॉडी, एंटीबॉडी. सेप्टिक, एंटीसेप्टिक. सिंपैथी, एंटी सिंपैथी. टॉक्सिन, एंटी टॉक्सिन. ये एंटी के साथ प्रयोग करते हुए, एंटी को प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग करते हुए इन शब्दों को हमने एंटोनिम में परिवर्तित कर दिया. आगे देखते हैं आई एल इल. बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आई मे रिपीट इट वंस अगेन, द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर एल मोस्टली टेक आई एल एस प्रीफिक्स टू ट्रांसफॉर्म इंटू एंटोनिम. जो शब्द एल से शुरू होते हैं अधिकतर वो प्रीफिक्स आई एल उनके आगे लगता है, उनको एंटोनिम में
बदलने के लिए। जैसे उदाहरण स्वरूप आपके आगे सामने बताया गया है स्क्रीन पे, लीगल का इलीगल, लेजिबल का इलेजिबल, लॉजिकल का इलॉजिकल, लिबरल का इलिबरल और लिटरेट का इलिटरेट। तो आई एल प्रीफिक्स लगा के एल से शुरू होने वाले शब्दों को हमने एंटोनिम में बदला। आगे देखते हैं आई एन इन। कई शब्द हैं जिनके आगे प्रीफिक्स के रूप में आई एन लगाया जाता है उनको एंटोनिम में परिवर्तित करने के लिए। एबिलिटी, इनएबिलिटी, एक्टिव, इनएक्टिव, विजिबल, इनविजिबल, एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, अटेंटिव, इनअटेंटिव, डेफिनेट, इनडेफिनेट, सफिशिएंट, इनसफिशिएंट। सो दीज आर द वर्ड्स वेयर वी यूज इन एज प्रीफिक्स टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू एंटोनिम। इनके और उदाहरण देखें आप, डिविजिबल, इनडिविजिबल, डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, एसेंशियल, इनएसेंशियल, वैलिड, इनवैलिड, जस्टिस, इनजस्टिस, सेंसिबल, इनसेंसिबल। तो इनके कई शब्द हैं जिनके आगे हम, जिनका प्रयोग करते हुए हम उसको एंटोनिम में बदलते हैं। अब देखते हैं आई एम। बच्चों आई हैव पॉइंटेड इट आउट, दो शब्द इसमें आई आर वाले सम्मिलित हो गए हैं, उनको अलग से लिख लीजिएगा आप। पहले मैं उन शब्दों को बोलूंगा जिनके आगे प्रीफिक्स के रूप में आई एम लगाते हैं उनको एंटोनिम में परिवर्तित करने के लिए। बैलेंस, इनबैलेंस, मॉर्टल, इमॉर्टल, पार्शियल, इम्पार्शियल, पेशेंट, इम्पेशेंट, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। बच्चों यहां पेशेंट, ये पेशेंट शब्द आप वाकिफ होंगे, इससे जानकारी होगी, ये मरीज के लिए नहीं है, धैर्य के लिए, बी पेशेंट, धैर्य रखो बोलते हैं ना। इम्पेशेंट मतलब जिस जो धैर्य नहीं रख पाता, वो बेचैनी जो होती है, वाई आर गेटिंग सो इम्पेशेंट, तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो। तो पेशेंट उसके आगे जब हम प्रीफिक्स आई एम लगाते हैं तो दैट बिकम्स इट्स एंटोनिम इम्पेशेंट। ओके, अब आप इसमें से दो शब्द वो लिख लीजिए जिनके आगे हम आई आर प्रीफिक्स के रूप में लगा के उसको एंटोनिम बदलते हैं। आई आर के लिए रेगुलर, नियमित, इरेगुलर, अनियमित, और दूसरा है रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, और उसका हो जाता है इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। तो बच्चों ये दो आई आर वाले शब्द हैं जिनके आगे आई आर प्रीफिक्स के रूप में लग के उनको एंटोनिम में परिवर्तित करते हैं। अब हम देखेंगे दोबारा जिसमें नाउन के अंत में सफिक्सेस लगाए जाते हैं और उनको सफिक्स लगा के एडजेक्टिव में परिवर्तित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से सफिक्सेस हैं जो नाउन्स के अंत में लगा के उनको एडजेक्टिव फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहला है ए एल। ए एल किसी नाउन के अंत में लगता है तो वो उसको एडजेक्टिव में परिवर्तित कर देता है। एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल, रीजन, रीजनल, ब्रूट, ब्रूटल, पर्सन, पर्सनल, रीजन, रीजनल, यूनिवर्स, यूनिवर्सल। अगला देखें ए आर वाई। जब किसी शब्द के अंत में ए आर वाई लगा देखें तो समझ जाएं आप कि ये एडजेक्टिव है। ये पहचान है एडजेक्टिव की कि किसी नाउन के अंत में जब ए आर वाई लगाया जाता है तब वो उसका एडजेक्टिव वाला रूप होता है। जैसे कस्टम का कस्टमरी, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री, मोमेंट का मोमेंट्री, ऑनर का ऑनररी और कॉशन का कॉशनरी। आगे देखते हैं फुल।
F-U-L, जब किसी noun के अंत में F-U-L लगा होता है, इसका मतलब that word is an adjective. उदाहरण देखें, beauty, beautiful, skill, skillful, wonder, wonderful, success, successful, awe, awful, delight, delightful. तो ये हमने देखा कि जब noun के अंत में F-U-L का प्रयोग होता है, तब वो उसका adjective वाला रूप धारण कर लेता है. It is transformed into an adjective. फिर less, L-E-S-S. Noun के अंत में less लगता है, तो मतलब वो adjective वाले रूप में आ गया. Power, powerless. Use, useless. Friend, friendless. Home, homeless. Worth, worthless. Penny, penniless. अगला देखें, IC. जब किसी noun के अंत में IC का प्रयोग होता है, तो that becomes an adjective. Athlete, athletic. Photograph, photographic. Base, basic. Science, scientific. History, historic. Rhythm, rhythmic. तो आपने देखा कि ये जो nouns आपके सामने स्क्रीन पे हैं, उनके अंत में जब IC लगाया जाता है, तब वे अपने एडजेक्टिव वाले रूप में आ जाते हैं. और आपने बच्चों देखा होगा कि नाउन के अंत में जो ई या वाई है, तो ये तो और भी शब्दों के जब प्रयोग होते हैं, जब हम इन्हीं शब्दों को प्लूरल में बदलते हैं और वाई का प्रयोग उसमें आता है, तो ये ध्यान रखें कि जब आईसी सफिक्स के रूप में लगाते हैं उनको एडजेक्टिव बदलने के लिए, तो हम ई या वाई अगर अंत में होता है तो समानता है उसको हटाकर आईसी लगाते हैं. जैसे एथलीट के स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, ए टी एच एल ई टी ई. तो जब एथलेटिक लिखेंगे तो अंत में जो टी ई आया है, टी के बाद जो अंत में ई आया है, उसको हटा के हम आईसी लिखेंगे. इसी तरह आप देखें हिस्ट्री, हिस्ट्री में हमने अंत में आर के बाद वाई को हटाकर उसकी जगह आईसी लगाया है. तो ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी होंगी. I C A L, तो कई बार सफिक्स के रूप में I C A L का भी प्रयोग किया जाता है उसको नाउन से एडजेक्टिव में बदलने के लिए. आपके सामने देखिए, मैजिक का मैजिकल, प्रैक्टिस का प्रैक्टिकल, लॉजिक का लॉजिकल, स्टैटिस्टिक्स का स्टैटिस्टिकल, हिस्ट्री का हिस्टोरिकल, अल्फाबेट का अल्फाबेटिकल. फिर आई एस एच, आई एस एच का भी सफिक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, नाउन के अंत में लगाया जाता है उसको एडजेक्टिव में परिवर्तित करने के लिए. फूल का फूलिश, शीप का शीपिश, चाइल्ड का चाइल्डिश, पिंक का पिंकिश, सेल्फ का सेल्फिश और गर्ल का गर्लिश. इसके बाद देखते हैं लाइक. लाइक सफिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है टू चेंज देम फ्रॉम नाउन इनटू एन एडजेक्टिव. जैसे लाइफ का लाइफ लाइक, चाइल्ड का चाइल्ड लाइक, लेडी का लेडी लाइक, बर्ड का बर्ड लाइक और वार का वार लाइक. इसी तरह हम सफिक्स के रूप में एलवाई का इस्तेमाल करते हैं, जो नाउन के अंत में लगाया जाता है, उपयोग किया जाता है उसको एडजेक्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए. जैसे फ्रेंड का फ्रेंडली, डे का डेली, कॉस्ट का कॉस्टली, ऑर्डर का ऑर्डरली, मंथ का मंथली और कवर्ड का कवर्डली. अगला देखें, ओ यू एस. ओ यू एस का भी प्रयोग किया जाता है नाउन के अंत में,
उसको एडजेक्टिव में परिवर्तित करने के लिए. पॉइजन का पॉइजनस, कर्टसी का कर्टसियस कर्टियस, डेंजर का डेंजरस, मिस्ट्री का मिस्टीरियस, नर्व का नर्वस, विक्ट्री का विक्टोरियस. मैं एक बार फिर दोहराता हूं, पॉइजन का पॉइजनस, कर्टसी का कर्टियस, डेंजर का डेंजरस, मिस्ट्री का मिस्टीरियस, नर्व का नर्वस, विक्ट्री का विक्टोरियस. इसी तरह वाई का प्रयोग किया जाता है नाउन के अंत में, उसको एडजेक्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एडजेक्टिव में परिवर्तित करने के लिए. रेन का रेनी, मेस का मेसी, फन का फनी, डर्ट का डर्टी, स्पॉट का स्पॉटी. तो बच्चों, मैं समझता हूं आपने नोट कर लिए होंगे और आपको ये समझ में भी आ गया होगा. ये शब्दों की पहचान आपके लिए बहुत जरूरी है और इन शब्दों की पहचान से आप अपने वोकैबुलरी को स्ट्रांग कर सकते हैं. और जब आपको वोकैबुलरी संबंधी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको निश्चित रूप से हल करने में आपको आसानी होगी. इससे संबंधित अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, यू आर वेलकम फॉर दैट. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन विच आई हैड प्रेजेंटेड टुडे. वैसे बच्चों, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है, एंटोनिम्स में बदलना या नाउन का एडजेक्टिव में बदलना, इसमें मियर प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए. और अगर आप लिख के इसका अभ्यास करेंगे तो आप इसमें बिल्कुल आप पारंगत हो जाएंगे, आपके लिए बिल्कुल पक्का हो जाएगा और आपकी इंग्लिश जो मजबूत होने के लिए भी ये बहुत जरूरी है. अच्छा बच्चों, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को ये पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आप इसका रिवीजन जरूर करें और रिवीजन करिए इसका और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी. अभी इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि आप अच्छा करेंगे और कुछ ही समय बाद आपके फाइनल एग्जाम्स हैं और टेंथ वालों का भी प्री बोर्ड होगा, उसकी तैयारी में आपको मदद मिलेगी. बच्चों, मैं आपसे विदा लेता हूं. टेक केयर. God bless.